हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सम फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले हम देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आज हम देखने वाले हैं साइन एम एक्स कॉस एन एक्स एंड साइन एम एक्स साइन एन एक्स कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स। अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन, उसको आप कैसे करेंगे। तो इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यदि मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजकल टू, ऐड करने पर कट जाएंगे, ये बचेगा आपका टू साइन ए कॉस बी। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। आई होप कि आपको याद होगा कि टू साइन ए कॉस बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये इसको मैंने इसमें ऐड किया था तब मुझको मिल गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, ठीक है। इसमें से इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट तो देखो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपका ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें से इसे करो सब्ट्रैक्ट तो आपको क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जो घटाएंगे इसको ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां से मिलेगा आपको टू कॉस ए साइन बी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं इन दोनों फॉर्मूलों को बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। आपको इनमें से कोई सा एक फॉर्मूला याद हो तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं इसमें से इस वाले फॉर्मूले को यहां पे लिख देता हूं कि टू साइन ए कॉस बी इजकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपका यूज करेंगे अभी कि टू साइन ए कॉस बी इजकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपको दो फॉर्मूले कॉस के भी पता होंगे, जैसे कि कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी। ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यदि इनको आप आपस में आप ऐड करोगे, ठीक, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब ऐड करने पर क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपको कट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो टू कॉस ए कॉस बी, ठीक, ये आपको मिल गया टू कॉस ए कॉस बी। तो इसको लिख देते हैं हम टू कॉस ए कॉस बी इजकल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यदि आप इसमें से इसे घटाते हो तो कॉस प्लस ये कट जाएगा टू साइन ए साइन बी, यहां बचेगा आपका टू साइन ए साइन साइन बी। तो मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं टू साइन ए साइन बी इजकल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस, मैंने इसमें से बताया था तो प्लस। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद है ये वाले, ठीक है, तो आपको ड्राइव करने की नीड नहीं है। यहां मैंने बताया है आपको, यदि आपको याद नहीं है तो आप इनको ड्राइव कैसे कैसे कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं अपने इन तीनों इंटीग्रेशंस के सॉल्व करने के तरीके के बारे में। तो यहां पर हम बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में, ठीक, साइन एम एक्स कॉस एम एक्स। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है साइन 3x कॉस 5x। तो जब भी आपको सवाल इस तरह का मिलता है कि जब आपके साइन कॉस इनटू में हो, तो सबसे पहला काम आपका होगा डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका ये जो डिवाइड वाला 2 है इसको आप बाहर ले सकते हैं, आपका बचेगा 2 साइन 3x कॉस 5x dx। अब आपको क्या करना है, 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपका जो प्रोडक्ट में है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी, ये आपका ए है ये आपका बी है, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 1 बाय 2 साइन ए प्लस बी इज साइन ए प्लस बी दैट इज 8x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी दैट इज माइनस 2x, 3 माइनस 5x हो जाएगा आपका माइनस 2x इट इज dx। आपको ये वाला माइनस बाहर निकल सकता है, तो इसको हम कर देते हैं ऐसे। तो अब आपका बचेगा i इक्वल टू साइन का होता है माइनस, जैसे कर देते हैं इसको 1 बाय 2, साइन का होगा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्थान पे क्या लिखा हुआ है 8x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 8 माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, एक माइनस ये रहा एक माइनस और आएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2x बाई 2 प्लस आपका सी, ये हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। तो क्या करना है कि जब भी आपको कॉस ए कॉस बी सॉरी साइन ए कॉस बी दिखाई दे, तो सबसे पहला काम आपका होगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। डिवाइड बाय 2 बाहर आकर क्या आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो 2 2 साइन ए कॉस भी बनेगा, जिससे आप करेंगे जो कन्वर्ट करेंगे इन सम और डिफरेंस फॉर्म में काउंट आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको डायरेक्टली सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक। हम लेते हैं एक ये वाला केस साइन एम एक्स साइन एन एक्स। जैसे इंटीग्रेशन सपोज साइन 3x साइन 5x dx, तो सेम आपको यहां पर काम करना है साइन 3x साइन 5x, तो ये वाला केस है, ठीक। तो इनमें भी आपको क्या करना है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 बाहर निकल जाएगा आपका, बचेगा 2 साइन ए साइन बी। इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी इट इज योर ए इट इज योर बी, जब 3 माइनस 5 करेंगे तो बचेगा आपका माइनस का 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3 और 5 हो जाएंगे आपके 8x, ये हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट dx। तो 1 बाई 2 कॉस 2x ये बचेगा आपका केवल कॉस 2x बिकॉज ऑफ कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स माइनस कॉस 8x dx। तो 1 बाई 2 इट इज कॉस का होता है साइन, तो साइन 2x जी वाले 2 अपॉन में आ जाएगा माइनस इसका हो जाएगा साइन 8x बाई 8 प्लस सी। तो ये आपका हुआ साइन ए साइन बी वाला फॉर्मेट का सवाल ये है। अब यदि कॉस ए कॉस बी का भी होता है तो उसको भी आप कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद आप लगाएंगे 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, जिससे आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा सम या डिफरेंस फॉर्म में, उसके बाद उसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।